हेलो गर्ल्स, आज मैं आपको धोती सलवार बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले ये स्क्वेयर फैब्रिक है, ये 17 17 इंचेस का है, लेंथ और विड्थ सेम है। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो वन साइड इज़ फोल्डेड एंड द अदर टू साइड्स आर ओपन। तो जो ओपन साइड है उसमें से एक साइड पे हम लोगों ने क्या करना है, एक साइड से हमने लेने हैं 5 इंचेस। ठीक है, यहाँ से हम 5 इंचेस लेंगे, हाफ इंच तक मार्क लगाना है। उसके ऊपर 5.5 इंचेस लेंगे हम, यहाँ से 1.5 इंच का मार्क लगा कर हमने एक बॉक्स सा बनाना है, रेक्टेंगल। और फिर इसमें छोटा सा कर्व डालकर जैसे आर्म होल में डालते हैं, और यहाँ पे 1/2 इंच का हमें निशान लगाना है, और दूसरी साइड पर 1 इंच पर हमें सीधी लाइन लगानी है। तो इन मार्क्स पे हम कट्स लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आर्म होल की तरह कर्व डाल दिया, वहाँ पे कट कर दिया, और यहाँ से एक छोटा सा कट लगाया है। तो ये बेल्ट है, डबल फोल्डेड है, तो ये 11.5 है, मतलब कि 23 इंचेस हुई, और इसकी जो विड्थ है वो 7 इंचेस है। तो इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको ऐसे कट लगा दूँगी छोटा सा, तो ये मार्क हो जाएगा हमारा। तो अब मैं इसको ओपन करूँगी। तो जो जहाँ पे हमने 1 इंच पे कटिंग करी थी, तो वो दोनों साइड्स पे हमें यहाँ पे स्टिच कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सीधा स्टिच करना है। उसके बाद फिर हम आसन जो हैं, एक साइड वाला आसन जो है वो हम जोड़ देंगे, दूसरे वाला अभी नहीं जोड़ना, उसको ओपन ही रखना है, क्योंकि पहले हम प्लीट्स डालेंगे फिर उसके बाद उसको जोड़ेंगे। तो एक आसन जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमारा फैब्रिक। ठीक है, तो अब जो नीचे हम पोंचे हैं, जो जहाँ पे 1/2 इंच का हमने मार्क लगाया था, तो उसको हमें फोल्ड करना है, ऐसे डबल फोल्ड करके हमें सीन लगानी है। ठीक है, दोनों साइड से। तो इस तरह से लगा के आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हो। तो ये मैंने इस तरह से तैयार करे हैं, इसके ऊपर मैंने लेस लगाई है, आपको एट दी एंड दिखाऊंगी। उसके बाद जो ये बेल्ट है, ठीक है, तो इसका सेंटर जो है उसको मार्क कर लो, और जो जहाँ पे हमने कट्स लगाए थे वहाँ पे तो चलो हमारे पास मार्किंग है ही कि कट्स लगे हुए हैं, और जो सेंटर है उसके ऊपर भी आप मार्क लगा लो, या उस पर भी छोटा सा कट लगा लो। फिर हमने हमने अब हम प्लीट्स डालेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट का फैब्रिक हम इस तरह से रखेंगे, तो क्योंकि कोई भी गड़बड़ ना हो, और ये तरीका बहुत ईजी है। फिर जो हमारा आसन है वो बेल्ट के सेंटर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको सेंटर के साथ रखना है, और जहाँ पे हमने सीन लगाई हुई है वो जहाँ पे हमने कट्स लगाए हैं वहाँ तक रहेगा, और जो आसन है वो एंड पे रहेगा, इस तरह से। तो हमने अब हमने प्लीट्स डालनी है, इस तरह से प्लीट्स डालनी है। प्लीट्स डालते समय आप पिन्स के साथ इसको अटैच कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए। तो 3 प्लीट्स जो हैं हमारी एक साइड पे डली हैं, 3 प्लीट्स एक साइड पे डली हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो सेम वे में आपको दूसरी साइड पर भी ऐसे ही प्लीट्स डाल लेनी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमने 3 3 प्लीट्स डालनी है दोनों साइड्स पर। ठीक है, इस तरह से आप डाल लीजिए। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है। तो ये जब डल जाए तो हमारा जो बेल्ट का फैब्रिक ऊपर वाला है वो इसके ऊपर रख के हमें यहाँ पे सीन लगा देनी है। तो ये मेरी सीन लग गई है। ठीक है, अब इसको हम आसन के साथ जोड़कर, ये आसन और बेल्ट दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जोड़ने के बाद हम इसको सीधा करेंगे, या पहले अपने प्लाजो के साथ देख लो। अब ये मेरा लंबा था तो मैंने क्या किया, ऊपर से 2 इंच की मार्किंग करके इसको कट कर लिया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि बेल्ट का फैब्रिक हमें कितना चाहिए, लेंथ इसकी ज़्यादा ना हो जाए, तो इस तरह से हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सिंपली बेल्ट को फोल्ड करेंगे। ठीक है, चारों ओर सीन लगाएंगे, थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देंगे क्योंकि उसमें से इलास्टिक डलेगा। तो इस तरह से करने के बाद हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब हमने यहाँ नीचे से यहाँ से सीन लगानी है। ठीक है, जो यहाँ पे 1/2 इंच के कट थे, तो ये सीन लग चुकी है। अब हम इसको सीधा करते हैं। तो सीधा करने के बाद ये इस तरह से इसकी लुक बहुत ब्यूटीफुल आई है। तो इसके जो पोंचे हैं इसके ऊपर आप लेस लगा सकते हो, तो मैं इस तरह की लेस लगाने वाली हूँ। अब ये मोटी मोटी नहीं लगाऊंगी, तो इसकी पतली सी लेयर जो है वही लगाऊंगी इसके अंदर, तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये देखो, ये लेस कितनी अच्छी लग रही है, और ये है हमारी फाइनल लुक। तो आपको ये धोती सलवार कैसी लगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।